जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का इम्पोर्टेंट रहने वाला 6th नंबर चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है वायर केबल एंड सोल्डरिंग। तो वायर केबल एंड सोल्डरिंग के बारे में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। निमी असाइनमेंट से इम्पोर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आईटी इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी रहने वाले क्वेश्चन आपको वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारे क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त तार कितने SWG का होता है या कितने SWG का होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, घरेलू वायरिंग होती है हमारी उसके लिए 14 या फिर 16 SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का तार यूज किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का बिट या फिर टेप होता है वह किसका बना होता है। तो सोल्डरिंग आयरन होती है उसकी बिट या फिर टेप किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन है पीतल, तांबा, लोहा और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। तो जो टिप होती है आयरन की, सोल्डरिंग आयरन की, वह तांबे की बनी होती है, तांबे की बिट होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बना होता है। तो सोल्डरिंग आयरन होती है उसका एलिमेंट होता है वह किस धातु का बना होता है। तो वह धातु होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम से मिलकर बनता है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट। तो आपके लिए ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। वर्तमान में सबसे प्रचलित केबल कौन सी है। तो सबसे अधिक उपयोग वाली या सबसे प्रचलित केबल कौन सी है। ऑप्शन ए है HSO, SL, PVC और H केबल। इसका आंसर है PVC केबल, पॉलीविनाइल क्लोराइड। 3.5 कोर वाली केबल में चौथी कोर किसकी होती है। तो इसका आंसर है फेज, अर्थ, न्यूट्रल और कोई नहीं। तो न्यूट्रल होती है, तो 3.5 पिन वाली कोर होती है, कोर वाली केबल होती है, उसमें चौथी जो केबल होती है कोर वह न्यूट्रल के लिए होती है। भूमिगत केबल यानि कि अंडरग्राउंड केबल का आर्मरिंग कवच किससे बना होता है। तो भूमिगत केबल के लिए आर्मरिंग जो कवच बना होता है वह GI गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। HSO केबल की कटाक्ष आकृति कैसी होती है। तो HSO केबल की कटाक्ष आकृति कैसी होती है। ऑप्शन ए है गोलाकार, ऑप्शन बी है वर्गाकार, ऑप्शन सी है त्रिभुजाकार और ऑप्शन डी है सभी। तो त्रिभुजाकार की होती है उसकी कटाक्ष आकृति। चालक का साइज मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास जो तार है, चालक है, उसका साइज मापने के लिए हम स्टैंडर्ड वायर गेज SWG का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। SWG का यूज किया जाता है चालक की गेज मापने के लिए। 7/20 केबल का क्या अर्थ है। तो 7/20 होता है, वो 20 होता है SWG, नीचे वाली संख्या SWG को बताती है, और 7 तार यानी कि 20 SWG के 7 तार ऊपर वाली संख्या हमेशा तार को, तार की संख्या बताती है। सोने या चांदी पर सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का यूज किया जाता है। तो सोने और चांदी के लिए जब आप करते हैं सोल्डरिंग तो उसके लिए फ्लक्स की आवश्यकता होती है, सुहागा या फिर बोरेक्स।
Na2, B4O7, 10H2O के अणु, ये इसका फॉर्मूला होता है। JKITI मंत्र यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए नियमित असाइनमेंट से क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी रहने वाले क्वेश्चंस हैं। और नियमित असाइनमेंट क्वेश्चंस नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उस प्लेलिस्ट पर विजिट जरूर करें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, व चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार की वीडियो जहाँ मिलती रहती है।